सो गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप लोग सब ठीक चल रहा रहे uh, हम बहुत दिनों से टॉपिक वीडियोज या जो एक्सप्लेनेटरी है उसके मोड में थे वही वीडियो ज्यादा कवर कर रहे थे अब आज एमसी की वीडियो की बारी है तो थोड़ा टेस्टिंग और क्वेश्चन वाले मोड में आते हैं आज आज मैं आपके लिए थर्टी एमसी की यूज लाया हूँ इंडियन ज्योग्राफी के अक्रॉस ऑल द सेगमेंट ऑफ ज्योग्राफी तो बहुत बढ़िया कलेक्शन है बहुत यूजफुल आपको रियलाइज होगा ये कलेक्शन ठीक है और आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगी इससे ओके तो स्टार्ट करते हैं एक बात और फ्रेंड्स कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पूरा भरोसा है कि इसको टेस्ट की तरह देखते होंगे तो आप भी चाहें अगर नहीं कर रहे हैं तो कर सकते हैं बात बहुत सिंपल सी है कि आप एक ब्लैंक पेपर चाहे तो वीडियो को पॉज करके अभी एक ब्लैंक पेपर ले लीजिए उसमें नंबरिंग कर लीजिए ठीक है और हर क्वेश्चन में आई विल गिव यू फोर टू फाइव सेकंड कम से कम पांच सेकंड दूंगा जिसमें आप लोग आंसर सोच सकते हैं ठीक है और फिर जब आंसर बताऊंगा तो आप चेक करिए कि आपका आंसर जो सोचा था वो सही था या नहीं था तो नॉलेज के साथ साथ टेस्टिंग भी होगी आपकी ठीक है तो ये अगर चीज ट्राई करना चाहें आप तो कई लोग मुझे लगता है करते होंगे इट इज वेरी यूजफुल क्योंकि एक रियल सेंस में आपकी परसेंटेज वाइज नॉलेज चेक होगी ज्योग्राफी में आगे के लिए भी कैसे स्ट्रेटेजी बननी चाहिए क्वेश्चन कैसे टच करना चाहिए क्या एरियाज कवर करने चाहिए उसकी नॉलेज भी मिलती है तो आप ऐसा कर सकते हैं और ये फोर्थ पार्ट है एमसीक्यूज ज्योग्राफी का तीन पार्ट्स पहले आ चुके जिसमें हमने अराउंड 50 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं इसको मिला के एटी हो जाएंगे क्वेश्चंस आपके 10 10 30 और ये वाले 30 तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बैंक में दे रहा हूं आपको नॉलेज के हिसाब से भी फर्दर स्ट्रैटेजी के हिसाब से ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर थर्टी तक का नंबरिंग लिखे है, तो वीडियो पॉज कर दीजिए फिर शुरू करिएगा हर सवाल में आंसर बताऊंगा पर पहले फाइव पांच सेकेंड दूंगा मैं आपको ठीक है सो टेस्टिंग तरीके से अपनी नॉलेज भी टेस्ट करते चलिए नहीं पता तो सीख भी लीजिएगा आंसर तो बताऊंगा ही मैं ठीक है तो ऐसे करिएगा आउटपुट ज्यादा बेटर होगा

क्वेश्चन नंबर वन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑप्शन देख लीजिए दिल्ली चंडीगढ़ कोयंबटूर और कानपुर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको बताना है द राइट आंसर इज कानपुर ठीक है चलिए अगले सवाल पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट इन इंडिया वॉज इस्टैब्लिश एट कहां स्टैब्लिश होता है आपको बताना है उस जगह का नाम अलॉन्ग विद स्टेट वैसे मैंने यहां आप कहानी बताई है आपको रानीपेट तमिलनाडु बेलेगुला कर्नाटका अलवाय ऑलवे केरला और सिंधरी झारखंड ये आपको बताना है द राइट आंसर इज सोचा कुछ आपने ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपने पढ़ा होगा आई एम श्योर अभी तैयारी में भी और शुरुआत में स्कूल वगैरह में एनसीआरटी में भी फैक्ट्स होते हैं दी आंसर इज रानीपेट तमिलनाडु में पहला फर्टिलाइजर प्लांट था ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ बर्ड सेंचुरी के लोकेशन के ऊपर है मैपिंग के ऊपर है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहां लोकेटेड है नल सरोवर इट इज अ वेरी फेमस बर्ड सेंचुरी सोचिए यहां पे मैं भी गया हूं सो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस लेक के बगल में है पूरा द राइट आंसर इज सानंद गुजरात वेरी नियर टू अहमदाबाद बट एरिया का नाम है सानंद गुजरात इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी नल सरोवर क्वेश्चन नंबर फाइव क्लाइमेट uh, वाले चैप्टर से है क्लाइमेटिक प्रोसेस एल नीनो कौन सी ओशियन में अगर होता है ये तो हम जानते हैं कि एल नीनो हमारे इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है ठीक है बट होता कौन सी ओशियन में सोचिए जरा अटलांटिक पैसिफिक इंडियन या सी ये चार ऑप्शन आपके पास सोचिए एक बार वैसे हम इतना जानते हैं कि एल नीनो की इंटेंसिटी जब भी बढ़ती है तो हमारा मानसून अफेक्ट होता है और लकीली इस बार के मानसून में एल नीनो इफेक्ट नहीं होने वाला तभी मैंने आपको सुबह वाले वीडियोस में कवर करवाया था कि मॉनसून नॉर्मल आने वाला है बताइए क्या आंसर है आंसर इज पैसिफिक ओशियन में होता है एल नीनो प्रोसेस इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर सिक्स हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड इज लोकेटेड इन कहा लोकेटेड है चारों ऑप्शंस इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है इनमें से एक आंसर है हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड कोलकाता मुंबई विशाखापट्टनम या कोची सोचिए यू हैव सेकंड्स टू थिंक कोलकाता मुंबई विशाखापट्टनम या कोची अब यहीं पे देखिए फैक्ट्स बताने का फायदा होता है बिकॉज चारों कोर्ट्स का, काफी इंपॉर्टेंट है तो प्रॉबलिटी वाइज तो कहीं पे भी हो सकता है द राइट right आंसर इज विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड एच एस एल विशाखापट्टनम क्वेश्चन नंबर सेवन ये सिंपल है आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली वेजिटेशन टाइप्स में सुंदरी ट्री किस टाइप के वेजिटेशन में फाउंड होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन डेसिडस मैनग्रोव या डेजर्ट द राइट right आंसर इज मैनग्रोव वेजिटेशन ठीक है जो बंगाल में सुंदरबन एरिया है ना वो मैनग्रोव एरिया है और उस एरिया का नाम सुंदरबन इसलिए है बिकॉज वहां पे सुंदरी ट्री लगती है तो जो सुंदरबन पूरा एरिया है वो डेल्टा एरिया आपने सुना है ना बंगाल में उसको सुंदरबन बोलते ही इसलिए है कि वहां पे सुंदरी ट्रीज है ठीक है वैसे वहां पे टाइगर की अवेलेबिलिटी भी काफी है तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आई मीन I वाइल्ड mean, लाइफ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है पर सुंदरी इज अ टाइप ऑफ ट्री जिसके नाम पर सुंदरबन का नाम रखा गया है इंपॉर्टेंट पूछते हैं कई बार कि सुंदरबन का नाम क्यों रखा गया है ट्री के नाम पर किसी और चीज के नाम पर ट्रीज दी आंसर आगे चलते हैं ठीक है आई 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 हैव गॉन टू सुंदरबन मैं एक बार गया हूं uh, बट तब मैं बहुत छोटा था तो तब मुझे इतना ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं था कि ऐसा है तो अगर किसी ने एक मतलब अभी सुंदरी ट्री कभी देखी मैंने देखी ऑब्वियसली पर तब मैं बहुत छोटी क्लासेस में था मुझे तो पता नहीं था कि मैनग्रोव होते क्या है वो बहुत छोटा क्लास था अभी दोबारा का मौका तो मैं देखूंगा बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी फोटोज देखे बट रियल लाइफ में सुंदरी ट्री देखने का मैंने आई थिंक जो भी सब्सक्राइबर्स हमारे बंगाल से उन्होंने जरूर देखा होगा ये ट्री ठीक है तो बताइएगा अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर एट विजयवाड़ा विजयवाड़ा कौन सी बैंक की रिवर में लोकेटेड है ठीक है तो सिटीज द रिवर बैंक दिस इज वेरी इन जोग्राफी एक बार ध्यान दिया आपने ये सारे सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे पर ये एक बार में याद नहीं हुई कि आपने किताब लेकर पूरा लिस्ट एक घंटे में याद कर ली दीज आर आई एम इंट्रोड्यूसिंग टू यू विच यू हैव टू स्टडी इन यू नो सिस्टमैटिक वे हर दिन थोड़ा थोड़ा टाइम देकर करना पड़ेगा आपको तब मेमोराइज होता है नेशनल पार्क हो गया बर्ड सेंचुरी हो गया आ, चलिए बताइए विजयवाड़ा किसकी आ, बैंक पर है गोदावरी कृष्णा कावेरी तुंगटर पास हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया आई थिंक इसका आंसर पता होगा फिर भी देता हूं आपको लिस्ट uh, देख सकते हैं आप मैप पर बट नंबर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर के बाद सीधे पूछ लेते हैं सिक्स सेवन एट या नाइन ऑब्वियस आर वेरी क्लोज टू इच अदर तो उसमें गैस वर्क तो नहीं चलेगा द आंसर इज एट देर आर एट स्टेट ठीक है सो एट इज दव एट टेंजेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया सारे बड़े स्टेट के नाम मैंने ना ऑप्शन में दिए आपको राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश टॉप फोर फाइव में ये चारों पांचों आते हैं वैसे ठीक है तो इन्हीं में से एक आंसर है लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया इज राजस्थान ठीक है पहले मध्य प्रदेश था बट फिर छत्तीसगढ़ जब बन गया तो अब राजस्थान इज नंबर वन स्टेट विद रिस्पेक्ट टू एरिया क्वेश्चन नंबर इलेवन जेट स्ट्रीम एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिना होता है इट इज अ वेरी फास्ट ब्लोइंग एयर करेंट सिस्टम कहां ब्लो करता है लोअर एटमोस्फियर अपर या दोनों में कर सकते हैं नन ऑफ दीज ठीक है डी तो आंसर नहीं एबीसी में से आंसर तो जेट स्ट्रीम ये जो फास्ट ब्लोइंग वेरी फास्ट इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है एयर करेंट सिस्टम कहां पे होता है दी आंसर इज अपर एटमोसफेयर इट इज अपर एटमोस्फेयरिक प्रोसेस बट इंडिया में या कहीं और पर भी क्लाइमेटिक कंडीशन को ग्राउंड लेवल पर भी अफेक्ट करता है वो तो इट इट इज इट ब्लोज़ इन द अपर एटमोस्फियर पर जो क्लाइमेट हमारा उस एरिया का होगा उसको अफेक्ट करता है ठीक है सो अपर एटमोस्फियर नाम ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट वरना ज्यादा सर्कुलेशन लोअर एटमोसफेयर में होते हैं इंपॉर्टेंट है ये ट्वेल्व अरेबिका रोबस्टा एंड लिबरिका यह किसकी वेराइटीज है एक क्रॉप की वेराइटीज है फेमस है एंड uh, चलिए फिर भी पांच सेकेंड देता हूं आपको Uh, आप देख सकते हैं टी रबर कॉफी जूट आर दी ऑप्शन आपको बताना है अरेबिका रोबस्टा लेबरिका आर दी वराइटीज ऑफ विच थिंग द राइट आंसर इज कॉफी कॉफी की वेराइटीज होती है ठीक है हम तो खैर क्या मतलब कॉफी कॉफी के नाम से पी जाते हैं बट टेक्निकली जाया जाए तो तीन वेराइटीज होती है ठीक है अरेबिका रोबस्टा एंड लिबरिका क्वेश्चन नंबर थर्टीन गैलेना गैलेना किसकी ओर है मतलब इससे कौन सा मिनरल हमको मिलता है जोग्राफी uh, भी है इसमें थोड़ा केमिस्ट्री तो ऑब्वियसली है इसमें बट मेनली क्वेश्चन ज्योग्राफी में माना जाए गैलेना किसकी ओर है बताइए आंसर इज लेड पी बी एस फॉर्मूला होता है लेड सल्फाइड ठीक है लेड सल्फाइड इसका इसको ये गैलेना का फॉर्मूला है लेड सल्फाइड फॉर्मूला लिखा है आपके सामने ये लेड की मेन ओर होती है तो फॉर्मुला नहीं पूछेंगे आपसे पर गैलेना और लेड वाला कनेक्शन आपको क्लियरली पता होना चाहिए ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन च सिटी इज नोन एज मैंचेस्टर ऑफ इंडिया सोचिए आंसर पांच सेकंड दे रहा हूं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है वडोदरा जयपुर अहमदाबाद नागपुर ठीक है एनी आइडिया मैंस्टर में क्या होता है ये तो इंग्लैंड की जगह है ब्रिटेन की जगह है क्या होता है मैनचेस्टर में मैनचेस्टर इज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल के लिए वर्ल्ड फेमस है मैनचेस्टर तो इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है अहमदाबाद दैट इज वाई अहमदाबाद इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ठीक है वो पूरी बेल्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है कॉटन टेक्सटाइल के लिए ठीक है जूट हमारा बंगाल साइड होता है पर कॉटन किस तरफ होता है महाराष्ट्र गुजरात उस साइड होता है अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया रीजन भी पता होना चाहिए क्यों बोलते हैं फिफ्टीन क्वेश्चन अगेन मैप लोकेशन पर है हरी के लेक किस स्टेट में लोकेटेड है हरी के लेक इंपॉर्टेंट लेक है ऑप्शन पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर आसपास के सारे स्टेट दे दिए मैंने आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर आपको बताना है कौन से स्टेट में हरी के लेक सोचा आपने कुछ ऑप्शन द राइट आंसर इज पंजाब पंजाब में हरी के लेक जो लोग स्टेट के उनको तो पता ही होगा बट जो बाहर के हैं आई थिंक कॉमन है वैसे तो बट चलिए आप कोई बात नहीं अब तो बात चल गया आपको आगे बढ़ते आई एफ एम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का लोकेटेड है इट इज अ सेक्टोरल कॉलेज इन द फील्ड ऑफ फॉरेस्ट्री और ये मतलब नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है बट फॉरेस्ट्री का है तो इट इज अ सेक्टोरल कॉलेज जो बोलते हैं ना वो है Uh, अपने तरह का एक बहुत यूनिक इंस्टीट्यूशन है कहां लोकेटेड आपको बताना आई एफ एम दंसर इज भोपाल सो आई एफ एम भोपाल भोपाल में लोकेटेड है कॉलेज फॉरेस्ट्री के लिए काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है इसको सेवनटीन विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन इंडिया सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है बताइए मध्य प्रदेश पंजाब कर्नाटका महाराष्ट्र हाँ ये चारों ऑप्शन में दिए हैं मैंने महाराष्ट्र मध्य प्रदेश पंजाब कर्नाटका एग्रीकल्चर में चारों ही अच्छे हैं इसमें सोयाबीन इस होता है बताइए सोच के आंसर जो आप सोया सोया चाप खाते हैं बहुत सारी सोया की बनने लगी हैं आजकल वो सब सोयाबीन से ही मतलब तो उस मामले में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंक उसका यूज बहुत है तो भाई कौन से स्टेट को मैं थैंक करना चाहिए इस चीज के लिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है दी आंसर है मध्य प्रदेश ठीक है इट इज बाय बिग मार्जिन वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सोयाबीन अक्रॉस मेनी इयर्स ठीक है चलिए एटीन हनी बी की ब्रीडिंग का कौन सा नाम होता है ऐसे क्वेश्चन लास्ट एमसी की थोड़े टच करे थे इन सबके स्पेसिफिक टाइप ऑफ कल्चर होता है सबके नाम है जैसे ओलिवी कल्चर पीसी कल्चर एपी कल्चर सेरीकल्चर ठीक है इसमें हनी बी वाले का नाम क्या है आंसर इज सोचा दो सेकेंड और ले लो हनी बी की ब्रीडिंग का नाम क्यों हनी बी को पालते हैं आ, क्या बोलते हैं मुझे हिंदी का नाम तो पता नहीं इसका मैंने ये प्रोसेस देखा है वैसे आ, पालन वर्ड आता है उसमें और मधुमक्खी पालन हाँ ऐसा कुछ वर्ड है इसका पूरा ड्रेस पहन के लोग जाते हैं क्योंकि वो छत्तर से जब हनी निकालते हैं तो बड़ा डेंजरस भी हो जाता है बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है आंसर इज एपीकल्चर ठीक है ओलिवीकल्चर ओलिवस की प्रोडक्शन को बोलते हैं पीसी कल्चर फिश कल्टीवेशन मतलब मछली पालन को बोलते हैं एपी हो जाता है हनी बी के लिए और सेरी हो जाता है सिल्क प्रोडक्शन के लिए सिल्क प्रोडक्शन के लिए ठीक है तो ओलिवीकल्चर ओलिवस के लिए पीसी कल्चर फिशेज एपीकल्चर हनी बी के लिए और सेरीकल्चर सिल्क

आंसर इज आई थिंक आपने जगह पढ़ा होगा मार्जिनल का हाइएस्ट है जिसकी वन हेक्टेयर से कम का एरिया होता है ठीक है दैट इज दी प्रॉब्लम कि हम इतना मतलब कि इतना डिविजन ऑफ लैंड है यहाँ पे इतना फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड है कि बड़े लैंड एरियाज नहीं मिल पाते क्योंकि ज्यादातर जो मेन मशीनरी मशीनरी इज इंपॉर्टेंट जितने भी टेक्नोलॉजी है वो बड़े एरिया में ज्यादा अच्छी लगती है पर क्योंकि इतने हिस्सों में टूट जाता है तो हर लैंड होल्डिंग इतनी कम हो जाती है कि इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन कल्टीवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन मशीनरी एनीवेज मार्जिनल लैंड होल्डिंग का हाईएस्ट है एंड uh, इसका मेजरमेंट वन हेक्टेयर से कम होता है भी काफी मिलते हैं। आप, किस स्टेट में आंसर इज कर्नाटका कर्नाटका में है बाबा बुदन हिल्स ठीक है uh, अगर हमारे कुछ सब्सक्राइबर कर्नाटका से है तो बताइएगा मैंने मिनरल्स के लिए इसका नाम सुना है बाबा बुधन हिल्स का बट इज इट ऑल्सो अ टूरिस्ट प्लेस मतलब जहां पे लोग कुछ हिल स्टेशन टाइप के मुझे नहीं पता बट uh, मिनरल uh, के लिए तो बहुत स्टडी करी है इस चीज की बुक्स वगैरह में पर घूमने की जगह भी यहां पे कुछ है अगर है तो बताइए कोई फेमस हिल हिल स्टेशन पे हो तो क्वेश्चन नंबर पहली जूट इंडस्ट्री हमारे यहाँ एटीन फिफ्टी फाइव में सेटअप हुई थी आपको यह बताना है कि वो कहां पे हुई थी दैट इज द द क्वेश्चन आंसर दिश्रा कोलकाता के पास से रिश्रा ठीक है कानपुर में पहली वुलन टेक्सटाइल फैक्ट्री बनी थी रानी पे तो बता चुका हूं पहली फर्टिलाइजर फैक्ट्री थी कुलटी में पहली सिस्टमेटिक आयरन एंड स्टील प्लांट लगा था और रिशरा में पहला जूट इंडस्ट्री से, सेटअप हुआ था रिश्रा इज नियर कोलकाता ठीक है रेश्रा इज नियर कोलकाता इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट काफी पढ़ा होगा मुझे लगता है एनसीआरटीज वगैरह में भी स्कूल टाइम में टीचर्स वगैरह काफी रटवाते थे रिश्रा का नाम तो वही मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री गोमती रिवर गोमती रिवर कहां ओरिजिनेट करती है आपको बताना है यूपी का ओरिजिन है इस रिवर का कहां से ओरिजिनेट करती है इन चारों जगह से पास तो होती है लखनऊ जौनपुर पीलीभीत गाजीपुर किस शहर के पास से ओरिजिनेट करती है आंसर इज पीलीभीत ठीक है पीलीभीत के आसपास ओरिजिनेट करती है लखनऊ और जौनपुर से पास करती है गोमती और गाजीपुर के पास वो गंगा से मिल जाती है बिकॉज गोमती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर और गाजीपुर के पास मिलती है वो गंगा से पर ओरिजिनेट किस शहर के पास है पीलीभीत ठीक है एक गोमत ताल है वो पीलीभीत के पास है वहां से ओरिजिनेट करती है ठीक है टाइम थे उनका तो किस टाइम फ्रेम में या किस टाइम फ्रेम में टाइम जोन में जो चारों नाम दिए हैं उसमें ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक फाइंड होते थे तो जितने भी आप ऑप्शंस देख रहे हैं उसी के बारे में है धारवाड इज द ठीक so, है सो धारवा टाइम के जो रॉक्स हैं दे आर दी ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स आपको टाइम जोन सारे रटने नहीं है बिकॉज बहुत सारे हैं बट कुछ फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं जो मैंने बताया आपको ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव भवानी रिवर किस स्टेट से फ्लो करती है ठीक है भवानी रिवर फ्लोज थ्रू विच इंडियन स्टेट ठीक है रिवर्स में देखो मेजर वाली तो याद करनी है आपको जो बड़ी रिवर्स है गोदावरी कृष्णा कावेरी नॉर्थ में गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र वो सब हो गए ये रिवर भी आपको याद रखनी है जो उतनी बड़ी नहीं है बट थोड़ी छोटी है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो भवानी रिवर किस स्टेट से फ्लो करती है जिनके स्टेट से है जो सब्सक्राइबर हमारे वहां से तो समझ गए होंगे बाकी लोग आंसर करना है ये आंसर इस तमिलनाडु ये दो स्टेट से पास करती है तमिलनाडु और केरला बट क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ तमिलनाडु है इसलिए हमने तमिलनाडु को मार्क कर दिया तो तमिलनाडु केरला से भवानी रिवर पास करती है इंपॉर्टेंट आगे चलते हैं ट्वेंटी सिक्स इट्स वेरी फेमस डेफिनेशन मिक्स्ड फार्मिंग मिक्स फार्मिंग क्या होता है ये सवाल है ये बड़ा कंफ्यूजिंग है ठीक है किसी को पता है तो आंसर कर देगा मैं आपको सही में इस क्वेश्चन के लिए दस सेकंड दे रहा हूं ऑप्शन पर उसका सही answer प्रें प्रें सही आंसर आंसर बताओ और दिया है नहीं दिया ठीक है बिकॉज अगर पता है तो बड़ा ईजी और ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ऑप्शन बता रहा हूं दस सेकंड सोचिएगा पहला तो मिक्स फार्मिंग में हम कंबाइन करते हैं तभी मिक्स वर्ड है किसे कंबाइन करते हैं दैट इज द क्वेश्चन कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप फूड क्रॉप एंड प्लांटेशन क्रॉप क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री या कैश क्रॉप एंड लेगुमिनस क्रॉप ये आपको बताना है ठीक है तीन चार सेकंड और दे रहा हूं कि मिक्स फार्मिंग किसे बोलते हैं मन में सोच ले ए बी सी डी में आंसर द राइट आंसर इज सी ऑप्शन जब हम क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री को कंबाइन करते हैं दोनों साथ में करते हैं तो वो कहलाता है मिक्स फार्मिंग दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बिकॉज ये टेक्निकल टर्म है और अगर ना पता तो कई लोग कंफ्यूज पता है कैसे करते हैं कि फार्मिंग मिक्स कर रहे हैं तो दोनों फार्मिंग वाली चीजें होनी चाहिए तो वो दो क्रॉप की बातें करना शुरू कर करते थे ऐसा बिल्कुल नहीं है क्रॉप प्रोडक्शन को जब आप एनिमल हस्बेंड्री से कंबाइन करेंगे मतलब अगर मेरा खेत है जहां पे मैं फसलें भी उगा रहा हूं और गाय और भैंसों को भी पाल रहा हूं एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहा हूं जैसे क्रॉप प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन सब कुछ अगर चल रहा है उसे बोलते हैं मिक्स फार्मिंग समझ गए तो, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ जोग्रफी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन भी कई बार इससे पूछ चुके हैं और उसमें सिली मिस्टेक अक्सर बाकी ऑप्शन से होती है आप केयरफुल रहना ठीक है टो वॉज ब्रॉड टू इंडिया बाय ब्रिटिश कुछ समय के लिए तो थे, बट चार सौ साल पहले के इंट्रोडक्शन हुआ था चार सौ साल पहले लाए गए थे टुबैको इंडिया में लाया गया था कौन लाया था बताइए सवाल है देखिए प्योरली अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप गेस नहीं कर सकती हाँ देखने से लग रहा है कि ब्रिटिशर्स लाए होंगे फ्रेंच लाए होंगे पोर्टुगीज लाए होंगे भाई पता है तो पता है वरना लॉजिक नहीं होता इसमें ठीक है चलिए आगे चलते हैं द आंसर फॉर दिस वन इज पोर्टुगीज लगभग चार सौ साल पहले इंडिया में टोबैको लाए थे दे इंट्रोड्यूस टोबैको इन इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैक्चुअली याद रखिएगा ट्वेंटी एट विच इज द लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट आपको बताना है चारों स्टेट में वैसे कॉपर मिलता है लार्जेस्ट आंसर है मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश दो का आंसर हो गया सोयाबीन में भी हाईएस्ट था और ये कॉपर के लिए भी हाईएस्ट था ठीक है एक्चुअली मैं क्वेश्चन मिनरल्स वाला ढूंढ रहा था तो मैंने इंपॉर्टेंट मिनरल से मुझे कॉपर मैंने बहुत सर्च करा तो मुझे मध्य प्रदेश मिला तो मैंने कहा ये मिनरल्स के क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में तो रिसर्च करके लाया मैं आपके लिए ट्वेंटी नाइन्थ रेणुकूट एक जगह है उत्तर प्रदेश में किसके लिए फेमस है बहुत फेमस प्लांट है यहाँ पे आपने मुझे लगता है बहुत फेमस कंपनी है यहाँ पे जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक मेटल बनता है वैसे ऑप्शन में कॉटन तो चलो हटा दो स्टील कॉपर एल्यूमिनियम में सोचिए आपके आंसर है स्टील कॉपर एल्यूमिनियम में कौन सा मेजर प्लांट रेणुकूट में है दी आंसर इज एल्यूमिनियम हिंडालको हिंडालको जो कंपनी है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन जो कंपनी है वो उसका प्लांट रेणुकूट में है तो हिंडाल्को के प्रोडक्ट पता है क्या होता है जैसे आप जो अपना खाना पैक करने के लिए फॉइल पेपर जो होता है ना फॉइल पेपर वो सब एल्यूमिनियम से बनता है ठीक है और वही बहुत सारी कंपनी बनाती है उसमें से हिंडाल को भी है जिसका प्लांट रेनुकूट में तो मैं प्रोडक्ट का बता रहा था कि एल्यूमिनियम का यूज वैसे तो काफी जगह होता है बट एक एग्जाम्पल दिमाग में आ गया कि जो आपका फॉयल रैपर होता है ना जो का बना होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं हिंडाल को इज लोकेटेड इन रेणुकूट एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में नाइनटीन इलेवन में शुरू हुआ था फ्रॉम अलाहाबाद टू ये एयर मेल गया था पहला ठीक है

होगी बात क्लियर जैसे पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में चली थी ना तो पहला एयर ट्रांसपोर्ट अलाहाबाद से नैनी के बीच में चला था तो जैसे आप मुंबई से अलाहाबाद की तरफ जाते तो अलाहाबाद से जस्ट थोड़ा पहले नैनी स्टेशन भी पड़ता है तो बहुत पास का है बट उसके बाद तो खैर ट्रांसपोर्टेशन काफी ग्रो करा इंडिया में बट पहला अलाहाबाद से नैनी था इंपॉर्टेंट सवाल है ठीक है फ्रेंड्स तो ये थे आज के टॉप थर्टी क्वेश्चन फ्रेंड्स अगर आपने इसको टेस्टिंग मोड से लिया है तो कितने सवाल सही गए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और रेगुलर कंटेंट के बारे में जो भी फीडबैक्स है आपके बिल्कुल लिखा करिए अच्छा या बुरा जैसा भी एनी फीडबैक इज मोस्ट वेलकम वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल होता है ठीक है आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो अगर कर लिया है तो उसके बगल में जो एक बेल का निशान होता है ना उसको दबा दीजिए ताकि जैसी वीडियो रिलीज हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक है एक so, बेल का निशान सब्सक्राइब के बिल्कुल बगल में बनाओ उसको दबा दीजिएगा जैसी वीडियो में अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ताकि तो वीडियो मिस नहीं होगा ठीक है वीडियो देखने के लिए थैंक यू हैव अ नाइस डे कल सुबह मुलाकात होगी आपसे